मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा है जो क्या ये कहा हो कि हमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए? कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा? ये देखो, अरे भैया ये देखो, ये देखिए पीएम में मैसेज देखिए, ये देखिए, आज फैलो यूट्यूबर है, बेहद खुशी हो रही है देश के प्रधानमंत्री को। सुन लीजिए बात, आज देख लीजिए, 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड। अभी कितना बड़ा झूठ है, 15 वर्षों से, हाँ 15 वर्षों से प्रधानमंत्री जी यूट्यूब चला रहे हैं, हाँ आज उनको प्रमोशन करने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भैया ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, 9 साल पहले देश के प्रधानमंत्री को डिजिटल इंडिया नहीं ध्यान था। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता के हाथ में कटोरा देने का काम किया है और आज खुद इनको महसूस हो गया, पता चल गया। कह रही है मणिपुर में इंटरनेट बंद है। अरे भैया तो सही बात है, मणिपुर में जब मणिपुर में जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है भाई, लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे? ये तो सच बात है, देश के प्रधानमंत्री जी को ज्ञात होना चाहिए कि भारत ने कहा बेल आइकन बजाते रहिए। अरे बेल आइकन बजाते रहिए, मोदी जी देश को बजाते रहे, मोदी जी देश की जनता का लंका लगाते रहे, यही मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा कोई काम नेक नहीं किए जो देश के विकास हित की बात हो। मेरे पास रोजगार है, अब वो बेल आइकन कहां से बजाएंगे? अरे भैया कहां, अच्छा पकौड़ा तलने वाला रोजगार, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, देश का युवा पकौड़ा तलेगा, अब देश का युवा प्रधानमंत्री जी का बेल आइकन बजाएगा? देश के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? रवीश कुमार कह रहे हैं ईडी से जांच होनी चाहिए, गोदी मीडिया की सब्सक्राइबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए फर्जी सब्सक्राइबर बीजेपी पे आप देख रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री के पास आप फेसबुक पे चले जाइए कितने एक्टिव उनके सब्सक्राइबर हैं, आप ट्विटर पे चले जाइए, ये जितने अंधभक्त हैं बीजेपी की जो IT सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा देना चाहती है कि यूट्यूबों पे देश के प्रधानमंत्री नंबर वन वो हैं यूट्यूबर। तो क्या मोदी जी गोदी मीडिया की दुकान बंद कर दे? अरे भाई गोदी मीडिया डर है तो गोदी मीडिया को देखना कौन चाह रहा है? आज देश की जनता सच्चाई की खबर, आप लोगों को सलाम है कि आपने देश के प्रधानमंत्री के जहन में डर ला दिया, जो देश का प्रधानमंत्री तमाम ऐसे वायदे करता था कि इस देश के आका हम ही हैं। अरे जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है, ऐसे सर्वनाशी लोग अगर सत्ता में बैठे होंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। सवाल यह है कि जरूरत क्या पड़ी मोदी जी को बजाने के लिए? भैया मैं कभी देश के मोदी जी झूठे प्रधानमंत्री का मैं चैनल सब्सक्राइब करूंगा? ये देखिए मैंने कभी नहीं सब्सक्राइब किया है, अंश हम सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैंने कल वीडियो देखा बड़ा, मैं तो कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री चले थे सारे सोशल मीडिया को बैन कराने, जो उनके नेता थे वो लिस्ट निकालते थे ना कि यूट्यूब के इतने चैनल बैन होंगे। आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी की रैली में भीड़ लाइव देख रहे हैं, मोदी के भाषण को देख नहीं रहे। अरे भैया मोदी को पसंद कौन कर रहा है जान? अरे बताइए ये वही मोदी जी हैं जो कहते थे अलीगढ़ में कि हमारे पिताजी अलीगढ़ का ताला ले जाते थे और बेचते थे, अब आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं 15 साल से यूट्यूबर था आप लोगों के बीच में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि आप बेल आइकन बचाइए। आज वाकई में ये देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब जो वो स्ट्रीम मीडिया नफरत की जो दुकान है उसको लोग नहीं चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सबक पता चल गया, क्योंकि इनका सर्वे चलता है इंटरनल, देश के प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि 2024 में हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, ये देश की जनता बदलाव की तरफ जा रही है और बदलाव की एक ऐसी हुंकार है। तो आप बेल आइकन बजाइए। अरे हम क्यों बजाएंगे, अंधभक्त हैं हम, अंधभक्त हैं हम, प्रधानमंत्री जो कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे मेरी माटी मेरा देश। अरे मंत्री ने कहा तो आपने थाली बजाया ना? कौन थाली बजाया, आप बनाए होंगे, हम जानते नहीं है कि हमारे दादा और पुरखों ने कहा है कि अगर थाली बजा दिए तो घर में दरिद्रता आ जाएगी, हम थाली कभी नहीं बजाई। मोदी जी ने कहा पकौड़ा तो पकौड़ा बेचे ना, कौन पकौड़ा बेचा, हम कहा जाएंगे बेचने, हम तो रोजगार मांगेंगे, इसीलिए तो आज खड़े होके आंख में आंख डाल के देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस देश में रोजगार कहाँ है। आप तो अपना रोजगार खोज लिए कि आप जब पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो यूट्यूबर के जरिए आप अपनी कमाई करते रहेंगे। अरे भैया यूट्यूब विकास है देश का, है आप यही विकास दिखाना चाहते हैं कि सबको, आप देश की जनता रोजगार न मांगे, सब यूट्यूब की तरफ जाए, रील की दुनिया में प्रधानमंत्री जीना चाहते हैं। मोदी राज में ऐसा क्या हुआ कि लोग अब मीडिया को नहीं देख रहे? बिल्कुल, देखिए मोदी राज में लोगों ने जाना कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ
झूठ बोल में इन्हें नंबर वन है। ये झूठे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता नदारत कर रही है, इसीलिए मजबूरन यूट्यूब चैनल पे आना चाहा। आप सब्सक्राइब किए पत्रकार महोदय, अब तो आप आपके बराबर हो गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब ये कल भाषण में कहेंगे कि जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं वो सब हमारे साथ चाय बेचा करते थे, वो हमारे साथ पत्रकारिता किया करते थे, मोदी जी प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया था, लेकिन आज प्रचार मंत्री बन गए हैं, अब उनको पत्रकार भी बन जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि जनता 24 में पूर्ण रूप से अबकी बार उनका बहिष्कार करने वाली है। कुर्सी खाली नहीं है। देखिए कैसे नहीं, जनता का जनादेश होगा, जनता के जनादेश ने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पद का दुरुपयोग किया, देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया, मणिपुर में बहन बेटियों को न्याय नहीं दिया, ये वही प्रधानमंत्री है जो सबको प्रताड़ित कर दिए हैं। मोदी जी कुछ भी कहते हैं लोग, क्या लोग ट्रोल क्यों करते हैं? आप बताइए कौन से मोदी जी की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर मोदी जी की? मोदी जी ने तो बस इतना कहा ना कि सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए भैया, चैनल है आपका, सब्सक्राइब करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम पैदा हुए हैं, आए इस देश के विकास के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का वो प्रधानमंत्री जो कहते रहे वही करते रहे, क्या प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए 18 घंटे काम करे? अरे भैया मैं कहता हूँ, सुनिए सुनिए, देखिए फिर वही काम है, 18 घंटे प्रधानमंत्री जी को किसने कहा है कि आप काम करिए? आप छोड़ दीजिए, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता अब की बार उनको सत्ता से बेदखल करेगी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी यूट्यूबर भी हो गए हैं, देश की जनता को कहेंगे कि आप सब हमारे यूट्यूबर भाई हैं और आप सब लोग हमारे बेल आइकन को बजाइए, घंटा बजाते रहिए, देश की जनता को घंटा बजाने का काम किया है, लेकिन 2024 में मोदी जी को उसी राम मंदिर में भेज दीजिए कि आप जाइए पूजा आरती करते रहिए, आपको देश के प्रधानमंत्री का बनने की काबिलियत नहीं है, और एक नया प्रधानमंत्री इस देश को मिलने वाला है 2024 में, जिसका नाम है राहुल गांधी। आप इस चैनल के लिए तो कह दीजिए। किसके चैनल के लिए? अरे भाई अपने अपना चैनल बनाना पड़ेगा। देखिए लेकिन आप सब लोग वाकई में आज मोदी जी को ऐसी जगह पे ले आए हैं कि मोदी जी को भी जब मजबूरन यूट्यूबर बनना पड़ा, वाकई में आप जैसे लोगों को सल्यूट है, आप लोग ने इस देश की सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि देश की जनता में इतनी बड़ी ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री हो या देश के कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, देश की जनता उनको झुकाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी अपनी कमाई की व्यवस्था कर लिए हैं, देश की जनता आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, वरना ये तो देश के प्रधानमंत्री झोला उठा के जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।